महाराष्ट्र में इस समय सोयाबीन उत्पादकों को थोड़ी राहत मिली है। कई मंडियों में सोयाबीन का भाव 5,000 रुपए से लेकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल पर मिल रहा है। बाजारों में सोयाबीन की आवक में दरअसल कमी देखी जा रही है। खरीफ सीजन की शुरुआत से ही सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। कभी भारी बारिश से फसलों को नुकसान तो कभी उपज का उचित दाम ना मिल पाना। किसानों को इस साल की शुरुआत में ही सोयाबीन का कम भाव मिला, जिसकी वजह से किसान निराश होकर सोयाबीन का स्टॉक करने लगे। वहीं अब राज्य के कुछ मंडियों में सोयाबीन की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। पहले सोयाबीन का दाम किसानों को 2,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा था और अब 5,000 रुपए से लेकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। इसके अलावा ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन की आवक में भी कमी देखने को मिली है। उधर महाराष्ट्र में सोयाबीन खरीफ सीजन की एक नकदी फसल है। मराठवाड़ा में किसान सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती करते हैं। वहां के किसान सोयाबीन की खेती पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में अगर बाजार में सोयाबीन का उचित दाम न मिलने पर ज्यादातर किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। फिलहाल अभी किसानों को सोयाबीन की कीमतों में थोड़ी राहत मिलती दिखाई दी है। उधर बेमौसम बारिश में सोयाबीन और कपास की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं बारिश के कारण सोयाबीन भी खराब हो गया और उसकी वजह से अब सोयाबीन के दामों में नमी होने के कारण उसके दामों पर भी असर पड़ा है, जिसके चलते ज्यादातर किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है और अब बाजारों में आवक भी कम देखी जा रही है। अभी कुछ जिलों में सोयाबीन की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी से फिलहाल किसानों को राहत मिलती दिखाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।